दोस्तों, चनेसर बोट में हमारा दूसरा घर। अस्सलाम वालेकुम। आपको सादिक भाई पता है कि आज हम आपके घर में किस लिए आए हैं? सब्जियां लगाने के लिए। सब्जियां लगाने के लिए आए हैं, और किसकी जानब से आए हैं? ये टीवी वन के तरफ से। बिल्कुल सही है। तो आप समझते हैं कि अच्छा कदम है हमारा? अच्छा कदम है, बिल्कुल सही कदम है। ताजी सब्जियां हमें खाने पीने के लिए मिल जाएगी। देखा आपने दोस्तों को, इन्होंने पहले ही पूरी तैयारी कर की हुई है और ये हमारा बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। तो चलें भी शुरू करते हैं, मददगार को बुलाते हैं ताकि वो मिट्टी और खाद की आमेजिश करें। आए मददगार, इधर आ जाएं। इधर से मिट्टी पहले यहां से शुरू करते हैं। घरेलू खाद या कंपोस्ट की तैयारी, आप अपने ही घर में खाद तैयार कर सकते हैं। इस मकसद के लिए कोई खाली प्लास्टिक का ड्रम या लकड़ी की पेटी इस्तेमाल की जा सकती है। सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, कागज और पत्ते वगैरह खाली ड्रम में भर दें। ऊपर से मिट्टी की एक तह बिठा दें और हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। कुछ अरसे के बाद ये एक घरेलू खाद के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें दो बेलचे डालते हैं, बहुत है। दो बेलचे डाल दें, एक बेलचा और डाल दें, आधा बेलचा और डाल दें, बस। ये हमने पुदीने की जड़ें आपके लिए लेकर आए बनाकर अपने वहाँ से, ठीक है, अपने टीवी वन की तरफ से। और ये जो है वो 3 या 4 दिन में इसकी भुटास शुरू हो जाएगी और आपके पत्ते निकल जाएंगे। फिर इंशाल्लाह 10 या 12 दिन के बाद तो आपको पुदीना बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आप इसको जरा सा दबा लें पहले और उसको निकाल लें और यहाँ अपने हाथों से लगाएं। फवारा ले रहे हैं। बहुत अच्छा। ये जरा मददगार टिंडे के बीज देते हैं, टिंडे के बीज। हाँ हाँ ठीक है। ये इसमें से 5-7 बीज निकाल लें। इसमें सादिक भाई आपको तो पता ही कि इन बीजों में से जो अच्छे पौधे होंगे वो रख लिए जाएंगे और जो कमजोर होंगे उनको हम निकाल देंगे। अब इस तरफ चलते हैं हम, बस काफी है, आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। दोस्तों जैसा कि आपको मैं बताता चलूं कि तुरई के लिए हमें अगर सेम ज्यादा पानी है तो तुरई के लिए बहुत अच्छा पानी होता है वो। हम तुरई के लिए हमने ये जगह मुंतखब की है और यहाँ से ऊपर चढ़ के तुरई, वैसे ही जैसे हमने पहले बताया था कि इनके घर की छत पे तुरई फैल जाएगी और इनको बड़ी ठंडक मैसर आएगी। ये सादिक भाई देखें, बीजों में देखें कोई बीमारी तो नजर नहीं आ रही आपको? बीजों का इंतखाब, सब्जियों की काश्त में बीज बुनियादी हैसियत रखता है। बीज साफ सुथरा हो, इसमें जड़ी बूटियों की मिलावट ना हो, बीज में उगने की सलाहियत कम से कम 80% हो, बीज हासिल करते वक्त उसकी उम्र के मुताबिक मालूमात हासिल कर ली जाए, जरासीम से पाक बीज का इस्तेमाल करें, बीज हमेशा मुस्तनद दुकान से हासिल करें, अपना बीज खुद तैयार करें। तो ये पता ही है कि हमें फसल लगाने के बाद उसमें दो मराहिल ऐसे हैं। एक तो उसमें कीड़ा मार दवा का स्प्रे है जो बहुत जरूरी है, और दूसरा उसकी गोडी है। बीमारियों से बचाओ, सब्जियों की घनी फसल पर कीड़े मकोड़ों का हमला ज्यादा होता है, लिहाजा सब्जियां मुनासिब फासले पर लगाएं। कई बीमारियां खुदरू पौधों से होती हैं, हर 15 दिन पर गोडी करने से ये पौधे खत्म हो जाते हैं। कीड़े मार दवा का बाकायदा स्प्रे किया जाए। सब्जियों की अहमियत, आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हर शख्स को औसतन 300 ग्राम सब्जियां रोजाना इस्तेमाल करनी चाहिए। सब्जियों में मिनरल सॉल्ट के अलावा विटामिन ए, बी, सी और ई मौजूद होते हैं जो एक मुकम्मल गिजा का हिस्सा हैं। घरेलू काश्तकारी के लिए ये आलात दरकार होते हैं। फवारा, बेलचा, खुरपा, फावड़ा, कैंची, पौधों के लिए कीड़े मार दवा का स्प्रे। हरा भरा पाकिस्तान जिंदाबाद।